भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को बिलासपुर जिला का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी है। वहीं बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर स्थित जिला पुस्तकालय में 50 लाख के बजट से डिजिटल लाइब्रेरी भवन का निर्माण किया जाएगा, जहां रीडर्स के लिए ऑनलाइन स्टडी टैब सुविधा रहेगी। इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धौलरा में करीब 5,18,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी है। वहीं इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह 25 अक्टूबर को दोबारा बिलासपुर के दौरे पर आएंगे, जिस दौरान वह आपदा प्रभावित लोगों को राहत चेक वितरित करेंगे। इस दौरान पत्रकारों ने हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनसे सवाल पूछा, जिसके जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल में बिलासपुर को स्थान जरूर मिलेगा। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, इसको लेकर अभी भी सीएम ने कुछ नहीं कहा है। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी संशय कायम है। हालांकि एक बार फिर से सीएम ने बिलासपुर जिला को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की बात दोहराई है, लेकिन अभी तक भी सीएम ने यह साफ नहीं किया है कि मंत्रिमंडल में बिलासपुर जिला को कब शामिल किया जाएगा। हाँ, बिलासपुर क्यों नहीं शामिल होगा? बिलासपुर बिल्कुल शामिल होगा मंत्रिमंडल में। ये किसने कहा कि बिलासपुर को नहीं देंगे? हिमाचल प्रदेश में सरकार भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। बता दें कि बिलासपुर जिला से एकमात्र घुमारवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक राजेश धर्माणी हैं, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की गई। कई बार सीएम कह चुके हैं, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी और मंत्रिमंडल का गठन किया गया, तब भी विधायक राजेश धर्माणी का नाम टॉप लिस्ट में था, लेकिन मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में राजेश धर्माणी को बाहर रखा गया। मैं आज जो बिलासपुर दौरे पर आया हूं, उसके दो, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी और एक कृषि विज्ञान केंद्र का, कृषि भवन का उद्घाटन है, शिलान्यास है। और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूं, और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में मैं 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूं। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनको राहत पहुंचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है, ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूँ। बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।